तो हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक गो टू मेकअप लुक करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही सिंपल इजी होगा। तो पहले मैंने हेयर को ऐसे मेरे फेस से हटा लिया है और मैंने फेस पे अभी भी मतलब अभी तक कुछ भी नहीं लगाया है, बस फेस वॉश करके आई हूँ मैं। तो कैमरा को थोड़ा सामने ले लेती हूँ। ओके, तो मैं इस वाइप से फेस को पहले क्लीन कर लूँगी। फेस क्लीन ही है फिर भी थोड़ा सा और क्लीन कर लूंगी ताकि मेकअप बहुत अच्छे से हमारे फेस पे सेट हो जाए। तो यहां पर मैंने फेस को क्लीन कर लिया है तो अभी मैं फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेकअप स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पर मैं देखिए कि कितने क्यूट सा बॉटल है, ये डॉटनकी का विटामिन सी ब्राइट मॉइस्चराइजर है, विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर है ये। तो मैं इससे ये जो मॉइस्चराइजर है ना, ये ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल मतलब समर के लिए या फिर ऑयली स्किन हो अगर आपके तो इसके लिए बहुत परफेक्ट है, जेल मॉइस्चराइजर है। ओके, मतलब वीडियो में जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी मतलब कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, तो बोलूँगी जो भी बोलूँगी वो आपके सामने होगा। तो यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है। अभी जो अगेन नेक्स्ट पार्ट है, अभी डे टाइम है, अगर आप मतलब मेकअप नाइट में कर रही हो ये वाली लुक तो आप सनस्क्रीन को अवॉइड कीजिए, और अगर आप डे में लुक कर रही हो तो ज़रूर से सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। ये है डॉटनकी का सनस्क्रीन। तो यहाँ पर मेरी सनस्क्रीन मतलब मैंने लगा लिया है। अभी मैं फेस पे अप्लाई करूँगी जो ये क्या है, स्विस ब्यूटी का प्राइमर है ये। ये वेल फ्री लॉन्ग लास्टिंग बेस है, सिलिकॉन बेस प्राइमर है एक्चुअली। ये बहुत अच्छे से हमारे पोर्स को ब्लर कर देता है। ओके, यहाँ पर मैं मेकअप कर रही हूँ मतलब बहुत जल्दी मैं कर रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो सनस्क्रीन को लगा के आपको ये बताना भूल गई थी मैम कि अगर आप सनस्क्रीन लगाते हो तो तुरंत से मेकअप मत कीजिए, 5-10 मिनट तक उसे बैठने के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप मेकअप को स्टार्ट कीजिए। इस लुक को आप साड़ी में भी वेयर कर सकते हो, बहुत अच्छे से मतलब आपका जो लुक है वो निखर के आएगा। या फिर अगर आप सलवार में कैरी करना चाहते हो, मैं अभी जस्ट एक वेस्टर्न सा ड्रेस पहनी हूँ मतलब टॉप पहनी हूँ जो कि जीन्स के साथ भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने फेस पे जो है वो प्राइमर लगा लिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंसीलर। तो यहाँ पर मैं मैबेलिन का कंसीलर यूज़ कर लूँगी। तो ये है मैबेलिन का फिट मी कंसीलर, शेड 25 है मेरी। आप लोगों को कैसा वीडियो देखना अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा मतलब देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा पहले, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत हेल्प होता है। ओके, अभी जो है मैं कंसीलर को ब्लेंड करूँगी, लेकिन मेरी जो ब्लेंडर है वो बिल्कुल ड्राई है, इस बात का आपको ज़रूर से ख्याल रखना है कि अगर आप जब भी आप ब्लेंड करते हो तो आपका कंसीलर जो ब्लेंडर होता है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो मैंने ये वाली कंसीलर मतलब ब्लेंड करने के लिए ये वाली जो ब्लेंडर है मैंने ले लिया है, ये बिल्कुल ड्राई ब्लेंडर है। कंसीलर को ड्राई ब्लेंडर में करना क्यों चाहिए, मतलब सॉरी फिर से नॉइस, कुछ कर नहीं सकती हूँ मैं इसका, सॉरी। क्योंकि हमारा जो ब्लेंडर है ना, जब भी डैम होता है ना तो वो एक्सेस प्रोडक्ट ले लेता है, और हमारे जो अंडर आई है यहाँ पर, हम नहीं चाहते कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ब्लेंडर सारा ले ले। तो इसलिए जब भी आप कंसीलर से अपना आई मतलब क्या बोलते हो उसे, मतलब अपना कंसीलर ब्लेंड करते हो, तब आपका ब्लेंडर आप ध्यान रखिएगा कि वो ज़्यादा गीला ना हो। अगर आपका जो है स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, ब्लेंड नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा इसमें जो है क्या सेटिंग स्प्रे, आप थोड़ा सा इस पर सेटिंग स्प्रे थोड़ा सा आप इस पर मतलब स्प्रे कर सकते हो, उसके बाद आप ब्लेंड कर लीजिएगा अपने फेस को। देखिएगा बहुत अच्छे से आपका जो कंसीलर है वो ब्लेंड हो जाएगा आपके फेस पे। और कंसीलर को कभी भी ऐसे ड्रैग मत कीजिएगा, बस ऐसे 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 प्लेस कर दीजिए। तो इस लुक में मैं फाउंडेशन अप्लाई नहीं करूंगी, जैसे कि मैंने बताया आप सबको कि ये गो टू लुक है, मतलब गेट रेडी विथ मी सा एक सिंपल सा वीडियो है। तो यहाँ पर मैं जो है फाउंडेशन ऐसा अप्लाई नहीं करूँगी, जस्ट थोड़ा सा डार्क सर्कल है इसलिए मैंने कंसीलर अप्लाई किया है, और मैं अभी जो है सीसी क्रीम अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद मैं अपना जो जो कुछ है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप डे टू डे बेसिस पे मेकअप कर रही हो, मतलब कहीं पे जा रही हो, या फिर अगर आपको मतलब हैवी सा मेकअप नहीं करना है, तो आप सीसी क्रीम या फिर बीबी क्रीम अप्लाई कर सकते हो, या फिर कंसीलर से भी आप बहुत अच्छे से कवर्ड मतलब लुक दे सकते हो अपने फेस को। तो यहाँ पर मैं लैक्मी का जो है 925 सीसी क्रीम ले रही हूँ। इसे आप मतलब डॉट डॉट करके लगा लीजिएगा अपने फेस पे। प्रोडक्ट आप ज़्यादा मत लीजिए, ज़्यादा लेने से क्या होता है ना, फेस केकी सा लगने लगता है, क्योंकि वो ब्लेंड नहीं होता है बहुत अच्छे से इसलिए। और या फिर अगर आपके पास टाइम कम हो तो वो ब्लेंड होने में और भी ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए प्रोडक्ट आप थोड़ा सा ले लीजिए। तो सीसी क्रीम है, इसे ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन ब्रश ले लूँगी, इससे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ये ब्रश मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं ब्लेंडर से मतलब ब्लेंड करती थी अपने फेस को, पर समहाउ अब मुझे इस ब्रश से अच्छा लगता है ब्लेंड करना, क्योंकि बहुत ही जो है फाइन सा फिनिश देता है फेस पे, एक अच्छा सा फिनिश देता है ये फेस पे। ओके, अगेन एक स्टेप मैं यहाँ पर आप सबको बता देती हूँ, आप जब भी मतलब ब्रश अगर आप मतलब मेकअप ब्रश अगर आप अपने फेस को मतलब सेट करते हो ना फेस को, फाउंडेशन हो या फिर बीबी क्रीम हो सीसी क्रीम हो, अगर आप ब्रश करते हो तो ब्रश को ना यहाँ से पकड़िएगा और बस ऐसे 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 करके आप ब्लेंड कर लीजिएगा। ऐसे करके मत कीजिए, इससे क्या है स्ट्रोक लाइन जो है वो मतलब आ जाता है फेस पे, वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ब्रश को यहाँ से पकड़ के बस ऐसे। अब देखिए
डिफरेंस। इससे जो है ना फेस बहुत अच्छा सा फ्लॉलेस लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंड कर लिया है मेरी सीसी क्रीम को, तो अभी मैं फेस को सेट कर लूँगी जो है लूज़ पाउडर से। आप चाहो तो कॉम्पैक्ट पाउडर से भी अपना फेस को सेट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास जो है वो वाइट टोन का पाउडर है आप उससे भी आपका फेस सेट कर सकते हो। बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और पसीना भी नहीं आता है, फेस बहुत अच्छा मतलब सेट हो जाता है। पर मैं आज यहाँ पर जो है HD का जो है सॉरी इनसाइड का जो है लूज़ पाउडर यूज़ कर लूँगी, बनाना लूज़ पाउडर। अगेन जब जब भी आप लूज़ पाउडर यूज़ करते हो तो आप ऐसा कुछ स्पॉन्ज ले लीजिए, ब्रश से अप्लाई तो हो जाता है लेकिन ब्रश से करने से अच्छा होता है, ब्रश या फिर ब्लेंडर से करने से अच्छा रहता है। आप ऐसे स्पॉन्ज से कर लीजिए, इससे क्या होता है आप बहुत अपने जो अंडर आई है या फिर फेस पे बहुत अच्छे से आप डैब डैब करके अपने फेस को आप मैटिफाई कर सकते हो या फिर सेट कर सकते हो अपने बेस को। और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पाउडर जो पफ है इसमें थोड़ा सा आप लेके ऐसे अब डैब डैब कर दीजिए, इससे आपका फेस बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। ओके, तो मेरा यहाँ पर मेरी जो है यहाँ पर फेस सेट हो गई है, तो यहाँ पर मेरी फेस सेट हो गई है। तो अभी मैं जो अप्लाई करूँगी वो है ब्लश और हाइलाइटर। ब्लश के लिए मैं यहाँ पर मेबलिन का जो है ये ब्लश ले लूँगी, ये रोज़ है, इसका जो स्किन टोन है मतलब जो भी है रोज़ है। तो इसे मैं ऐसे ब्लेंडर में लेके देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो ब्लश को ना आप ऐसे जो है यहाँ से ऐसे अप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ इस एरिया पर अप्लाई मत कीजिए। इस यहाँ पर जब ही आप ब्लश अप्लाई करते हो ना आपका फेस जो है वो ड्रूपी लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ से जब भी आप ब्लश लगाओगे या फिर हाइलाइटर लगाओगे तो आपका फेस जो है वो शार्प होके आएगा, उसके साथ साथ जो है वो एक अच्छा सा एक ग्लो देगा, नेचुरल ग्लो देगा जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, रियल में हो या फिर कैमरे में हो बहुत अच्छा लगता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा आप जब भी मेकअप करते हो। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पर जो है स्विस ब्यूटी का सिल्की मोस हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हो ग्लो, बहुत ही अच्छा से ये ग्लो देता है। अब देखिए फेस को कितने अच्छे से ये हाईलाइट कर दिया है। एक नेचुरल सा ग्लो देता है ये फेस पे। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है फेस को। तो यहाँ पर मेरी हाइलाइटर जो है वो भी कंप्लीट हो गई है। अभी मैं थोड़ा सा मैं चिक बोन पे या फिर नोज पे नहीं करूँगी, बस मेरी जो है डबल चिन का प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ी सी फैट है तो जो भी हो
तो मुझे जो है इसे हाइट करना है थोड़ा सा, इसे थोड़ा हाइट करना है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए। अगर आपका फेस थिन है, शार्प है, तो ज़रूरत नहीं है इस, मतलब ये वाले स्टेप को आप टोटल इग्नोर कर सकते हो गेट रेडी विथ मी सेक्शन में, क्योंकि डे टू डे मेकअप के लिए इतना कॉन्टोर वंटोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ना मैं NY बेयर से लाई थी, मतलब NY बेयर का जो है ये जो है ये कॉन्टोर है, ये कैसे मतलब टूट सा गया है पता नहीं क्यों, मैंने उतना यूज़ भी नहीं किया है इसे। आप सबके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? अगर हुआ है तो प्लीज़ बताना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों हुआ है ऐसा। मेरी फेस जो है वो डन है, फेस डन है, आई डन नहीं है अभी भी, आई करना है। आई मैं हैवी नहीं करूँगी कुछ भी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है आप सबको कि ये डे टू डे लुक के लिए है, तो इतना हैवी सा कुछ नहीं करूँगी, बस आईब्रो और देखती हूँ क्या। आईब्रो तो मस्ट है किसी भी मेकअप लुक के लिए। तो यहाँ पर मेरे आईब्रोज डन है, तो अभी मैं काजल अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद जो है मैं क्या सोच रही हूँ, मतलब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा लाइट सा एक शेड दे दूँ क्या आईलिड पे, ब्राउन सा। नहीं छोड़ो, डे टू डे लुक के लिए है थोड़ी, अगर आप को ये डेली बेसिस पे करना होगा तो थोड़ी। अच्छा, आप लाइनर ऐड कर सकते हो यहाँ पर, अगर आप मतलब डे टू डे बेसिस पे नहीं कर रहे हो तो लाइनर अप्लाई कर सकते हो। चलो लाइनर ही अप्लाई करती हूँ, हो गई ना गलती यहाँ पर, मैंने फेस को तो सेट ही नहीं किया है। आप डे टू डे मेकअप के लिए जा रहे हो या फिर अगर आप सिंपल मेकअप कर रहे हो, अगर आप कोई सा भी मेकअप कर रहे हो, ग्लैम मेकअप हो, कोई सा भी मेकअप हो, फेस को सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं ये प्रोफेशनल का किस ब्यूटी का, आई मीन किस ब्यूटी का ये जो है मेकअप फिक्सर ले लूँगी, ऐसे ऐसे ब्लेंडर पे स्प्रे कर लूँगी। इसे थोड़ा मतलब यहाँ पर, इससे क्या होगा फेस पे आपने जो जो लगाया है वो टस से मस नहीं होगा और आपके फेस पे बहुत अच्छे से ये रहेगा। ये एक फेस पे बहुत अच्छा सा ग्लो भी देता है, अच्छा लगता है, आप सब देखिए खुद ही। चलो अभी मैं लाइनर अप्लाई कर लूँगी। ओके, लाइनर मैं यहाँ पर देख के नहीं लगाऊंगी, मैं आईने पे देख के लगाऊंगी क्योंकि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ लाइनर लगाने में, तो इसलिए। तो हो गई इस आई पे अभी ये वाली, आप चाहो तो थोड़ा थीन लाइन लगा सकते हो, एक्चुअली थीन लाइन ही लगाना चाहती थी मैं, पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ करना, जब भी मैं करना चाहती हूँ थीन तभी हो जाता है ठीक। ये देखो इधर लग भी गई, इसे अभी नहीं मिटाऊंगी, इसे सूखने दो बाद में। तो ये है मेरी फाइनल लुक जो कि आप देख सकते हो,
मैंने यहाँ पर जो है दो टिक टैक क्लिप लगा लिया है और छोटू सा स्टड पहन लिया है और बस सिंपल। और यहाँ से थोड़ी सी बस यही है। आप चाहो तो आप नॉट बना सकते हो या फिर अगर आप पोनी बनाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, पर मुझे यही अच्छा लगा, क्यूट लगा, तो मैंने यही कर लिया है। तो ये थी मेरी कंप्लीट लुक जो सिंपल थी येट ग्लैम थी। तो आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत ही हेल्प होगी और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मैं ऐसे ही ट्राई करूँगी, आप सब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।